गोविंद है पता है। अगर गोविंदा होता ना तो हम लोगों की इतनी बातचीत नहीं होती। सोनी चैनल पर टेलीकास्ट होने वाला कॉमेडी शो द कपिल शर्मा शो छोटे पर्दे के सबसे पसंदीदा शोज में से एक है। शो में आए दिन कोई ना कोई सेलिब्रिटीज आते रहते हैं। जब से शो का नया सीजन शुरू हुआ था, कृष्णा अभिषेक की गैर मौजूदगी फैंस को खूब खली। अब चूंकि कृष्णा की वापसी हो गई है तो वो किसी न किसी वजह से आए दिन सुर्खियों में आ ही जाते हैं। द कपिल शर्मा शो में कृष्णा अभिषेक कभी इनडायरेक्ट तरीके से सुनील ग्रोवर का नाम लेते हैं तो कभी अर्चना पूरन सिंह का मजाक उड़ाते हुए दिखाई दे रहे हैं। लास्ट एपिसोड में तो उन्हें अपने मामा गोविंदा का भी जिक्र करते हुए देखा गया। होस्ट कपिल शर्मा के बीते एपिसोड में दिग्गज एक्टर गोविंद नामदेव, सयाजी शिंदे, जिम्मी शेरगिल, लाजा मुराद, इंद्रनील सेन गुप्ता और अभिमन्यु सिंह दिखाई दिए। हमेशा की तरह कपिल शर्मा सभी मेहमानों का स्वागत करते हैं और उनके साथ मस्ती मजाक करते हैं। इस बीच एक जगह कृष्णा अभिषेक ने मामा गोविंदा का नाम लिया। उन्होंने गोविंद नामदेव संग बातचीत में कहा, अच्छा वो आपका नाम गोविंद है, अगर गोविंदा होता तो हम लोगों के बीच इतनी बातें नहीं हुई होती। ये बात सुनकर कपिल संग सभी गेस्ट और ऑडियंस की हंसी छूट जाती है। कृष्णा अभिषेक और गोविंदा आए दिन अपनी लड़ाई के चलते चर्चा में रहते हैं। दोनों के बीच लड़ाई तब बढ़ी थी जब कृष्णा की वाइफ कश्मीरा शाह ने कहा था कि कुछ लोग पैसों के लिए डांस करते हैं। गोविंदा की वाइफ को लगा कि कश्मीरा ने ये बात उनके पति गोविंदा के लिए कही जो बॉलीवुड में एक्टिंग के अलावा अपने डांस के लिए जाने जाते हैं। तब से उनके बीच मन मुटाव की खबरें आती रहती है। एक इंटरव्यू में गोविंदा ने कहा था कि उन्होंने कृष्णा को माफ कर दिया है, लेकिन कुछ महीने पहले एक इंटरव्यू में गोविंदा की पत्नी सुनीता ने खुलकर बात की और बताया कि उन्हें क्या बात बुरी लगती है। दरअसल उनसे सवाल किया गया था जिस पर सुनीता ने कहा, प्लीज उनके बारे में कोई सवाल मत करो, उन्होंने आपके इंटरव्यू में जो भी बोला है वो सच नहीं है, इसलिए मैं इरिटेट हो रही हूँ, गोविंदा भी अब उनसे कुछ नहीं कहेंगे। वहीं कृष्णा अभिषेक की वापसी से कपिल शर्मा भी बेहद खुश हैं। शो को अच्छी खासी रेटिंग्स मिल रही है। शो को दर्शकों द्वारा खूब पसंद किया जा रहा है। शो ने एक बार फिर धमाल मचाना शुरू कर दिया है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अब देखते रहे मियो वुल्फ को। जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर दें। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया।